नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, मैं पूना में हूँ और माँ अरुणा भारती जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये वो हस्ती हैं जो स्वयं ओशो के साथ रही हैं और उनके साथ अमेरिका भी इनका जाना हुआ और पूना आश्रम के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। आज अभी मेरी चर्चा शुरू ही हुई थी तो मैंने माँ से विशेष आग्रह किया कि माँ, मेरे व्यूवर्स के लिए भी आप तो आपके दर्शन भी करना चाहेंगे और ऐसी हस्ती के मुझे साथ बैठने का सौभाग्य मिला, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। और इतने सालों पुराने, शायद 76 एज हो गई माँ की अभी, और माँ ने पूरा जीवन 21 ईयर्स का था ओशो का जो भी रहा आश्रम को स्थापित करने में, और आज जितने भी सन्यासी जो भी आज ध्यान में अपने जीवन को इतना लाभदायक पहुंचा पाए, अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार की तरफ चल रहे हैं, अपनी गति कर रहे हैं, तो ऐसी हस्ती के साथ जब हमें गाइडेंस मिलता है, जब ओशो के जीवन को जानने का, क्योंकि ओशो के बारे में मिथ बहुत हैं दुनिया में, जो साथ रहे लोग होते हैं ना वो एक्चुअल में जानते हैं कि एक महान हस्ती सच में वो क्या जीवन जी करके गए। तो माँ ओशो का वो समय मुझे बता रही थी कि जब ओशो जबलपुर में जॉब करते थे 700-800 रुपए की, तो कैसी उनकी जर्नी थी, कैसे उन्होंने वो सब छोड़ करके दुनिया के लिए वो निकल पड़े, तो वो आज माँ आपको अपनी जबान से बताएंगे, तो वो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। माँ आप जरूर बताइए। नमस्ते। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को ओशो के साथ रहने का अनुभव, साक्षात्कार जो भी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बांट रही हूँ। मैं जो हमको मिला है वो बांटेंगे तो और बढ़ेगा। मीरा कहती है, मैंने राम रतन धन पायो, खर्ची न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो, यही ओशो के पास से हमको मिला है। तो रजनी जी, ओशो तो अभी हुए ना, नहीं नहीं, रजनी जी जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहीं पे उन्होंने फिर जॉब कर रहे थे साइकोलॉजी के प्रोफेसर, और उनका जो ज्ञान और उनकी जो विजडम थी वो उनके जो ऊपर, उनके ऊपर जो थे, उनके जो प्रोफेसर थे, जब आचार्य जी एक विद्यार्थी थे तब से उनको ये प्रणाम करते थे और उनको सम्मानित करते थे, और अब ऐसी बारी आ गई कि बहुत लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दुनिया के लिए बोलो, ये जॉब में तो आप क्या है, थोड़े लोग आपको पा सकते हैं ना, आपके जो ज्ञान है वो मिल सकता है। लेकिन तो एक बात रजनी जी ने बहुत अच्छी कही, उनके फादर मिडिल क्लास थे, उनके फादर की तो कपड़े की दुकान थी, और जब रजनी जी अपनी 800 रुपए की सैलरी में से 700 रुपए माँ बाप को भेजते थे, 100 रुपए अपने लिए रखते थे, उस टाइम उतना भी पैसा जो था वो काफ़ी था, तो अभी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसने कहा, अगर कोई स्पॉन्सर करे कि मेरे पेरेंट्स को 700 रुपये हर महीने मिल जाएंगे और मिलजुल के जो भी, तो मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता हूँ, और लोग तो तैयार थे, और तो शुरुआत हो गई। फिर ओशो सब जगह थोड़ा थोड़ा करके सब जगह घूमने लगे, यात्रा अपनी शुरू की उन्होंने। उस टाइम उनके पास टाइपराइटर भी नहीं था, टेप रिकॉर्ड कुछ नहीं, वो ऐसे ही निकल पड़े हैं। एक लुंगी पहनते थे और एक चादर रखते थे, खड़ाऊ घड़ी और एक नैपकिन, तो पूछे नैपकिन तो बोले मच्छर भगाने के लिए। ऐसा करते फिर वुडलैंड में, मुंबई में इसलिए लिया, मुंबई में वुडलैंड में अपार्टमेंट भाड़े से लिया, क्योंकि वो उस टाइम बहुत सारे लोग वर्ल्ड से इंडिया आते थे, और वो हिप्पी का जमाना था, जो मेरा जमाना था ना,
70s का, वो हिप्पी का जमाना था। और हिप्पी कौन थे? जो बहुत पैसे वाले माँ बाप के बच्चे थे, जिन्होंने इतना पैसा देखा था कि अभी वो तंग आ गए थे और उनको जीवन का सत्य ढूंढना था। तो नेचुरली अपना भारत तो पहले से ही इस विषय में लोगों को बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और जिज्ञासा है, तो इस तरफ तो वहाँ पर रेड्डी जी के पास बहुत सारे मित्र आने लगे फिर भी उन्होंने वो यात्रा हो। तो हम लोग उस टाइम अहमदाबाद में रहते थे, तो जब भी रजनीश जी आए अहमदाबाद में, तो पहले वो कहाँ कैसे कहीं भी लेक्चर देते थे, किसी की फैक्ट्री हो, किसी का घर हो, किसी के मतलब कुछ ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ। तो अखाड़ा था वहाँ कुश्ती का मैच, वहीं पर शाम को लेक्चर, तो हम पहले लेक्चर में गए और पहले ही लेक्चर में जो कहते हैं ना कि एकदम साइलेंट जैसा हुआ है, और उस टाइम ऐसी कुर्सी, उनके माइक ऐसे थे, सब आवाज करते थे, लेकिन जब भी उन्होंने बोलना शुरू किया, और अहमदाबाद जैसे शहर में कुत्ता ना भौंके ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कुत्ता भी नहीं भौंका। मतलब कहने का ये था कि इट वॉज सो साइलेंट, और हम तो उसी टाइम गिर पड़े उनके पैरों में, और तभी से हमारी यात्रा शुरू हो गई। फिर वहीं पर, और फिर हमको रजनीश जी भेजते थे, फिर हम लोग सब ऑरेंज भगवे रंग की लुंगी और कुर्ता, मैन वुमेन सब लोग, स्त्री पुरुष सब एक ही सरीका, औरतों को भी हम लोग बाल छोटे किए थे सब, मतलब हमको डिफरेंसेस नहीं रखना है। और माला लोग चिढ़ाते थे, और इतना सारा लोग पत्थर फेंकते, बहुत पत्थर खाए हमने। और हम कीर्तन करते करते रास्तों में जाते थे, कीर्तन करते करते, तो खास करके जब भगवत पहनते हैं और स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, तो हमारे जो पुराने ढंग के जो हैं साधु सन्यासी, वो नाराज़ हो जाते हैं, समाज नाराज़ हो जाता है। तो लेकिन फिर जो फिर भी जो सत्य की जिज्ञासा जिनके भीतर होती है, वो तो आने ही वाले हैं। तो ऐसा करते करते फिर यहाँ पर हमने कोरेगांव पार्क में पहले एक लाओत्सु हाउस खरीदा डोनेशन से सब, और लाओत्सु हाउस ओशो के लिए, वो शायद मोरबी की महारानी का था मेरे ख्याल से। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, वो कृष्णा हाउस। फिर धीरे धीरे करते बढ़ता गया, और उस टाइम फिर एक इसका कंपैशन कैसा है मास्टर का, देखो कि इतने फॉरेनर आते थे, इंडियन लोग भी बहुत आते थे। अभी फॉरेनर लोगों का तो अपना वो कैंटीन बना हुआ था, अभी इंडियन लोग तो इतना इट्स एक्सपेंसिव, महंगा था। तो उस टाइम फिर हाँ उनका, अब हम उनको भगवान करके उनको संबोधित करते थे। वो कैसे शुरू हुआ भगवान, माथेरान में शिविर थी, तो माथेरान की शिविर में लक्ष्मी जो उनकी फर्स्ट सेक्रेटरी थी, लक्ष्मी को ऐसा विजन आया कि हम आपको भगवान कहे हैं। उन्होंने कहो, वो तो आप जो भी कहो, उनको शैतान कहो भगवान करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब से हम उनको भगवान संबोधित करते हैं। तो फिर यहाँ पर तो भगवान श्री ने कहा कि फिर हमको भी बुलाया बाद में वहाँ रहने के लिए, मैं मेरा हस्बैंड मेरी दो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को, 4 साल की थी मेरी छोटी बच्ची, तो सबको छोड़ छाड़ के सब यहाँ आश्रम में देखे, तुम क्या कब होगा, जब जो होगा सो परमात्मा का बुलावा आया है, मने चाकर रखो जी। तो और मैं भी जब हम मिले
रजनी जी को तो भाई 21 साल के थे, मेरे हस्बैंड 22 साल के थे, तो दोनों ही चल पड़े थे ध्यान करना, कीर्तन करना, उनके बहुत सारे एक्टिविटीज करी हैं। और एक बार तो मोरारजी देसाई जब भी प्राइम मिनिस्टर थे ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो देव दमन है वो जो सूरत के पास, वहाँ पे उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो उस टाइम भगवान श्री ने कहा कि बस लेके जाओ 200-250 लोग, कीर्तन करो और अरुणा को सिर पे रखेगी लाल कपड़े में बांध के संभोग से समाधि की ओर, और मोरारजी देसाई को गिफ्ट करेगी। मोरारजी देसाई ने कर्फ्यू लगा दिया, अभी कर्फ्यू लगा दिया वहां पे, और तो पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा कि कर्फ्यू क्यों लगाया है। हम तो नाच रहे, और हमारी वो तब मेरी जो छोटी बच्ची थी वो सिर्फ 1.5 साल की थी, तो एक पुलिस की लेडी बोलती है कि बहन जी आपकी बच्ची मेरे को दे दो ना, आप नाचो। वो पुलिस वाली मेरी बेटी को लेके घूम रही, और कर्फ्यू था तो भी पुलिस ने हमको अलाउ किया, हम तो पहुंच गए, और उनका जहाँ कॉन्फ्रेंस था मैं तो सिर के ऊपर लेके जा रही हूँ, और पूरी फोटो वोटो आई थी पूरे जन्मभूमि इसमें न्यूज़पेपर में, और तो उन्होंने मोरारजी देसाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आगे का रूम खुला था, वहीं पे टेबल पे रखी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, अभी याद आ गई तो बता दिया। तो जब भी हम आश्रम में रहने को आए, तब मैं करीब 26 साल की उस टाइम में, और भगवान से कहते हैं अब ये इंडियन लोगों को खाने की तकलीफ होती है, और वो जाके स्टेशन जाके थाली खानी पड़ती है, यहाँ तो फॉरेनर का किचन है, इंडियन का तो है नहीं, तो अरुणा शुरू करे। अच्छा। मेरे को तो इतने सारे लोगों का खाना, मैं अपने को इतना थोड़े कुछ आता था, नहीं आता था ना, तो 25-26 साल की उम्र में इतना सारे समझ में भी नहीं आता था क्या कैसे हो, जैसे कि रोज शादी का खाना बनाऊं, वो महाराज देंगे, भाइयाँ देंगे, सुपरविजन करो और कराओ। धीरे धीरे 100 लोगों से करके 500 लोगों का खाना हो गया, और भगवान श्री खुद प्राइस बनाते थे, कॉस्ट 3.5 रुपए में पूरी थाली हम खाना हो जाता था, दाल के 50 पैसे, सब्जी के 75 पैसे। बोलते हैं इंडियन लोगों के पास पैसा नहीं है, हमको नॉन प्रॉफिट रखना है किचन, हमको खाने में पैसा नहीं बनाना है, और फिर अन्नपूर्णा बोलते थे मुझे प्यार से। तो और क्या रहे कि कोई भूखा ना जाए, इतने सस्ते में हम बनाते थे करीब 14-15 आइटम रोज, और ये तो बहुत ही फेमस हो गया था वो किचन तो उस टाइम। तो फिर जैसे जैसे वहाँ पे पहले ऐसे भी था कि जैसे जैसे अगर आप कुछ महीने भर के लिए रहने आ रहे हो और आपको ध्यान करते हो और आपको मन है कि आप आधा दिन कुछ हेल्प भी करो, जैसे किचन में सब्जियाँ काटने का या बुक्स वगैरह में ट्रांसफर कुछ भी, तो भी आपको क्या करते थे, गेट पास फ्री कर देते थे, और ज़्यादा रह रहे हो तो फिर बाद में एक टाइम का लंच भी फ्री करते थे। तो ऐसा 300 लोगों को फ्री मेरे किचन में से मिलता था। तो ये चला कारवां, बहुत ही फेमस और बहुत ही सुखदाई, जैसे कि गोल्डन डेज थे। फिर 81 में 4 जून को अमेरिका के लिए निकले, यहाँ जाना नहीं था उनको अमेरिका, लेकिन यहाँ जब भी नया कॉमन बनाने के लिए जगह की तो हमेशा कुछ न कुछ पॉलिटिकल लोगों के बीच ऐसी विडंबना आ जाती थी कि काम नहीं होता था। तो फिर रजनीश वहाँ गए हम अमेरिका,
तो उन्होंने 50 इंडियन का नाम लिया था, नाम भी थे जी उसके माँ कृपा से, हमारी बच्चियाँ भी थी वहाँ गए शुरू से अंत तक। बाद में वापिस पुणे आए, वापिस पुणे शुरू किया यहाँ पर। सो फिर तो आपको पता है उसके बाद तो आप आए, फिर वहाँ पे पॉइजन दिया गया था ना और सबको जब जेल में रखा था, तो जेल में भी तो आइए मैं काफ़ी समय से मैं सुना है कि हाँ पशु को जो है पॉइजन दिया गया, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? ऐसा था देखो, ये तो जहाँ भी जाएंगे पहली तो बात ये थी, तो उस टाइम अब लक्ष्मी को उसने कहा कि भगवान सिंह ने कहा कि अब तू रिटायर हो जा, अभी शीला संभालेगी, क्योंकि शीला अमेरिकन सिटीजन थी ऑलरेडी और उसको अमेरिका का नॉलेज था और जानती थी बहुत लोगों को। तो फिर 64,000 एकर की जमीन हमने वहाँ पे खरीदी थी ओरेगॉन में पहाड़ों पे। तो फिर शीला ने कहा कि भगवान श्री एक शर्त माननी पड़ेगी आपको, क्या कोमिन तब बनेगा जब आप पब्लिक में बोलो नहीं। तो बोले अच्छा कितना टाइम नहीं बोलूँ पब्लिक में? 3 साल। ठीक है, तो 3 साल पब्लिक में हमसे तो बात करते थे बोल के उनके कमरे में, बोले बिना थोड़ी रहेंगे, लेकिन वो पब्लिक में प्रवचन नहीं देते थे तो चुप रहे। कॉमन बना बहुत खिला, जो भी आता देखता तो उनको लगता कि हम कुछ जादू मंत्र जानते हैं, इतना जल्दी जल्दी कैसे ये चीज़ें होती है। कैसे हो गया? 14 घंटे हम लोग काम करते थे और बर्फ बर्फ में, स्नो में, कंस्ट्रक्शन का काम। आप किटली में से चाय लाओ तो चाय आते आते तो बर्फ जम जाती थी। मतलब वो गुरजेव थियरी उसने रखे थे कि हमारा शरीर जो है वो 10% ही हम उसको यूज़ करते हैं, बाकी 90% हमारे भीतर फियर है, नहीं कर पाएंगे, ये होगा वो होगा। तो बियॉन्ड फियर से ऊपर जा कर के हमको और एनर्जी। आप देखना अगर आप रनिंग करते हो तो आप थोड़ा थक जाते हो, फिर उसके बाद स्लो हो जाते हो, और फिर जब फास्ट होते हो ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड। साइकिलिंग में भी ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये हो गया, फिर हम वहाँ पॉलिटिकल, तो जब भी बोलना, पहले जब भी बोलना शुरू किया तो फिर शुरू हो गए पॉलिटिक्स पे बोलना, क्रिश्चियनिटी पे बोलना। वो तो डंडे मारते हैं तुमको जगाने के लिए, उनको किसी से दुश्मनी नहीं है, तो लेकिन वो नहीं समझते थे ना। फिर वो मिलिट्री के प्लेन जाते थे हमारे ऊपर से, और गवर्नमेंट वॉज वेरी वेरी वायलेंट, कर नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि ऐसा कुछ प्रूफ उनके पास थोड़ी ही करने, बट उनको डराने के लिए। तो फिर उसको ऐसा बोलते हैं, फिर खुद ही बोलते हैं हाँ फिर ले जाओ मुझे ले जाओ। तो आवाज में तो क्रांति उनकी शुरू से ही थी। और जिस दिन उनको लेके गए जेल में, उस दिन 100 लोगों को उसने जेल में संन्यास दिया। बाप 100 लोगों को जहाँ गए भगवान 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 के नारे लगे थे, क्योंकि वहाँ पर टेलीविजन और सब दिखाते हैं जेल में, सब अलाउ है सब, और पूरा इतने फूलों से भर गया था, भर गई थी जेल की जगह नहीं थी फूल रखने की। और अपने सेल के ये होते ना बाहर भगवान भगवान संन्यास संन्यास, तो फिर मालाएं मंगाई और 100 लोगों को पहले ही दिन सुने। अब कहते हैं ना कृष्ण भगवान कहाँ तक पहुँचते हैं, किधर, उन्होंने तो जेल में जन्म ही लिया था, तो ये तो जेल खास गए, अब ये किसके लिए गए? उन लोग के लिए ही गए होंगे ना। बिल्कुल। जेलर तो उनके पाँव में बैठता था, वो तो मैं मेरी नौकरी छोड़ दूँ आपके साथ, उन्हें नहीं तुम्हारी जरूरत है यहाँ पर। नर्स बोलती थी मैं आपकी चाकरी करूँगी, मुझे साथ में ले चलो, इतने प्रेम में पड़े थे पॉलिटिकल को लोगों को छोड़ के। तो फिर उनको अलग 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 अलग, क्योंकि जहाँ जाती वह मीडिया चले जाते हैं, जहाँ जाती वह मीडिया आ जाते, तो फिर गवर्नमेंट को तो उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना था। तो उन्होंने 12 दिन में 6 अलग अलग जेल बदली, और कैसे प्लेन में ले जाते थे मालूम है,
वो जो लास्ट कैटेगरी के जो क्रिमिनल होते ना, वो लोहे की बेंच होती है और वो काले लोग सब, मतलब जो वर्स क्रिमिनल जो कुछ थे, ऐसे लोगों के साथ बिठा के और अलग 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 जेल में, और लास्ट जेल में जो ले गए थे ना, वो नो मैंस लैंड होती है ना बॉर्डर के पास। अब ये लक देखो कि जब भी उनको वो जेल में लेके गए वहाँ पर, और उनको बोलते हैं कि आप साइन करो डेविड वॉशिंगटन, क्योंकि प्रूव नहीं करना था कि रजनीश जी है। उन्होंने कहा मेरा नाम तो रजनीश है, मैं भगवान श्री रजनीश ही लिखूंगा। अच्छा, उनको बोला कि अपना नाम ही नाम तुम साइन करो डेविड वॉशिंगटन। ओके, तो दो लेडीज छूट रही थी उसी टाइम, और भगवान तो ऑलरेडी प्रचलित हो गए थे ना सब जगह पे। उन्होंने देखा अरे ये तो रजनीश है, तो बोलती है भगवान वी आर, हमको जेल से छोड़ा गया है, तो डू यू वॉन्ट टू से समथिंग टू योर पीपल। तो भगवान श्री ने कहा से वॉट यू सॉ, से वॉट यू सॉ, और वो निकल गए। निकल के ओरेगन में आके उन्होंने न्यूज़पेपर में ये बता दिया कि भगवान श्री रजनीश को नो मैन लैंड में वहाँ पर डेविड वॉशिंगटन कर करके वहाँ पे उनको मीडिया पहुँच गई। तब तक इन्होंने क्या लिया, नीचे सेल में ले गए, सेल में ले करके सेल में कुर्सी और उसके नीचे उन्होंने बॉम्ब भी रखा था। उनका जो खाना था उसमें थैलियम रहते थे, बॉम्ब फ्यूज़ हो गया बाय चांस, बॉम्ब फटाने तब तक मीडिया पहुँच गई, और इस ढंग से उनको वापस लाया गया। वापस लाने के बाद जो मन में आया वही लगा दिए इन पे, ये चार्ज ये चार्ज वो चार्ज। तो भी लॉयर्स ने कहा कि उनका प्लान ये था कि ओशो को गायब कर देना था, गायब, एक गायब, अलग नाम दे करके उनका प्लान ये था, मगर कुछ हो गया बाय चांस कि वो निकल आए बाय चांस। तो अभी यही हो गई यहाँ तक की तो कहानी। और उसके बाद अमेरिका से जब वापस इंडिया आने के बाद फिर कितना समय तो वो रहे मुंबई में रहे, सुमिला बिल्डिंग बंगले का नाम है सुमिला, वो हमारे एक सन्यासी का बंगलो है, तो उसका उनका नाम याद नहीं आता मेरे को। तो वहाँ पे 3 महीना रहे उसके, और उसके पहले जब भी इंडिया आए तो पहले उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड टूर करूँगा सब जगह। तो पहले मनाली गए, फिर वहाँ गए काठमांडू गए, फिर वहाँ से वर्ल्ड टूर करूँगा, और कहीं कोई देश अगर मुझे रखने को तैयार है या नहीं। तो उनकी वो एक व्यक्ति ऐसा है जो गिनेस बुक में रिकॉर्ड है, 21 कंट्री में रिजेक्टेड वीज़ा है, क्योंकि अमेरिका नहीं देगा वीज़ा तो कोई नहीं देगा वीज़ा, हमको हायर कमांड से मना किया गया है, एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं जाने देते थे। और इनके साथ 5 लोग जाते थे, एक मेरी फ्रेंड है जो उनकी कुक है, वो अभी वो देहरादून में रहती है, फिर एक उनकी नर्स वो भी जो केयर टेकर है, एक पायलट एक डॉक्टर, ऐसे एक को पायलट, 5 जन साथ में उनके पूरा बल्क में से गए। और फिर वापस आके वहाँ मुंबई में रहे, मुंबई में 3 महीना, फिर पुणे यहाँ पर आए, फिर पुणे आकर के फिर फ्लरिश हो गया। जब पहले दिन पुणे आए तो यहाँ के अभी इतना कुछ ख्याल नहीं था क्या करें, यहाँ का कमिश्नर डायरेक्ट, इतना हम तैयार नहीं थे कि कोई अटैक इमीडिएटली हो सकता है। कमिश्नर उनके लाउसू ना, उनके रूम में चला गया, उनके मुंह पे वारंट फेंका। क्या फेंका? वारंट। ओके, वेरी फर्स्ट डे। फिर हमने सिक्योरिटी जरा स्ट्रिक्ट क्यों किया है अभी सब, इसलिए स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो अभी छोटी मोटी जो इंस्टेंट ख्याल आया बताया, बाकी तो इतनी सारी बातें जो आपने बताया। हाँ। वो इतना गहरा है कि कितने लोगों को पता ही नहीं है
और ये तो आपके मुंह से सुन के मैं खुद इतना शॉक्ड हो रहा हूँ कि इतना कुछ हुआ था और जो हमने सुना है वो तो कुछ और ही चल रहा है। और ये भी बता दूं आपको, ये जो वाइल्ड वाइल्ड क्या वाइल्ड वाइल्ड कंट्री क्या नाम बताए, वो जो इन्होंने बनाए एपिसोड्स 3 बनाए शायद, तो मैंने जानबूझ के वो देखा क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं देखूं तो मैं जवाब दे सकूं। जी पहली तो बात ये है कि जो नीचे एंटेलॉक जो छोटा सा टाउन था जहाँ पे हमारा जोरबती बुद्धा था छोटा सा, वहाँ से फिर ऊपर जाते थे रंजेशपुरम रेंज पर, तो वहाँ के जो लोग थे करीब 40-45 लोग वो सेमाई गोस्ट टाउन में रहते थे, ना पढ़े लिखे हैं, वो काउबॉय रेडनेक बोलते हैं ना, खाली वो चीनी मार उनके बच्चे चीनी मारते हैं ना, कभी वो वहाँ पर आए हैं। तुम उन लोगों से इंटरव्यू लेते हो जो लोग कभी आए ही नहीं। बिल्कुल, जिन्होंने कहा हमसे लो ना इंटरव्यू, आओ ना हमारे पास, तो तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम आओ हम बात सच, करते हैं। सच ये तो मैं आज सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी में ये नहीं जान पाता। ये तो एक अपना ऊपर वाले का करना होता था, नहीं तो मैं भी वो घर में थी इस टाइम। तो दोस्तों आपने माँ से श्रीमुख से सुना ओशो का जीवन कितना कठिनाइयों भरा रहा और कैसे अपने माता पिता को छोड़ने के लिए भी एक ऐसे महाज्ञानी व्यक्ति भी अपने माता पिता के फर्ज से पीछे नहीं हटे। नहीं, उन्होंने पहले अपने साधकों को भी यही बात बोली कि गारंटी लो कि मेरे माता पिता को कोई कष्ट नहीं आएगा, तब मैं मेरा अगला कर्म तुम्हारे लिए बनता है। कितनी बड़ी बात है कि पहला कर्म हमारे माता पिता के लिए ही होता है। और मैं आपको सदा से ही कहता हूँ कि माता पिता तो सबसे बड़े भगवान हैं, ये शरीर भी उन्हीं से मिला है, उंगली पकड़ के चलना भी उन्होंने सिखाया। और बात है कि आजकल भाग दौड़ में लोग अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, मगर फिर भी हमारा यही रहना चाहिए कि अपने फैमिली को हम सबसे पहले प्रायोरिटी दें। और माँ के मुख से आज इतना सुनकर आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे ओशो फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि ये जानकारी कितनी डीप है। और कोई मुझे मैगजीन की कटिंग भेजता है तो कोई मुझे कुछ भेजता है, स्वामी जी देखो ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, तो मेरे अंतर से जो ओशो ने मेरे को जीवन भर में दिया वो मानने को ही तैयार नहीं है कि कुछ गलत होगा। क्योंकि मैंने आश्रम में रह करके देखा, इंडिया में जितने भी ओशो आश्रम से मैं सब में रह करके मैंने खुद देखा कुछ गलत था ही नहीं। आज मेरे को अपनी माता को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ को, किसी को भी मुझे ओशो आश्रम में भेजने में कोई संदेह नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि मैंने जिया है। और जो लोग अपने किसी भी स्वार्थ के कारण किसी ऐसे छुपे हुए महाज्ञान का अपमान करते हैं वो खुद चूक रहे हैं बहुत बड़े सत्य से। हमारा जीवन में ध्यान में जो ओशो ने हमें दिया है वो इस संसार में हम अपने प्राण देकर भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते, ये मैंने अपने जीवन काल में जाना है। और माँ से आज मिला, माँ का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और ये बहुत ही समय ऐसा कीमती है बिल्कुल कि ऐसे विरले महापुरुष ने जन्म लिया और हम उनके से ज्ञान प्राप्त कर सके, उनकी सेवा कर सके, उनके जीवन में आग पे चलने का की यात्रा थी। बिल्कुल, क्योंकि जीवंत मास्टर के पास, जीवन गुरु के पास कोई चीज सरल नहीं होती है क्या। तो बैठे हैं उनके चरणों में हम 3-3 घंटा रोज और सब कुछ, और इतना सारा है, इतना सारा है, लेकिन मैंने जो हाइलाइट्स जो था वो कोशिश की है बताने की। बाकी गहराई में तो बहुत कुछ है, कभी भी मौका मिला तो बात कर सकते हैं सर। मैं तो ओशो की बात करो तो महीना भर तक कहानियां सुनाती रहूं, इतनी कहानियां है। ब्लूप्रिंट हूं मैं, ये बताती हूं। और मैं लिखना नहीं कर सकती, मेरे को रोना आ जाता है लिखते लिखते, इसलिए मैं कर ही नहीं सकती। आपने इतना बड़ा काम किया, मेरी तो माँ मेरी तो इच्छा थी चलो हम तो चले जाएंगे अपना। आपको यूट्यूब पर कई सालों बाद भी कोई सुनेगा कि माँ अपने मुख से क्या बोल के गई हैं जो ओशो के साथ रहे हैं। ये सच है ना, यही तो मैं दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे ओशो ने मेरे से थोड़ा सा काम लिया है
और मैंने और, भी बहुत और वो सारे आप लोगों कर रहे को हो। हाँ बिल्कुल 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 और ओशो का ही काम कर रहा हूँ, और जितनी मुझे बल दिया उसने समत, मेरे जितने साधक मेरे साथ जुड़े हैं उनकी इतनी सपोर्ट है, और हम बहुत बड़े लेवल पे धीरे धीरे जन जन तक सच्चाई को पहुंचा रहे हैं और लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है। कोशिश, लोग तो जागृत हो गए वहाँ। कोशिश बहुत बड़ी चीज है, कोशिश करते रहो बस माँ, आप पत्थर खाते रहो, कोशिश करते रहो। हम तो बहुत पत्थर खाए हैं। इंटरव्यू हमारा शायद काफी लंबा हो गया, अभी माँ को भी विश्राम करना, थोड़ा है। कटिंग करना पड़ेगा। नहीं एक, एक एक शब्द भी कटिंग नहीं करूंगा, जो जो आपने कहा है वो मैं तो 10 बार दोबारा सुनूंगा, क्योंकि मुझे सुनते वक्त ऐसा लग रहा था माँ कि मैं सच में आप दोनों के साथ साथ ट्रेवल कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब सब दृश्य मेरी आई इसके आगे चल रहा था, अभी भी है। इतना मनोरम दृश्य दिख रहा था कि जैसे कि एक एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी कि वहां पर क्या घटना घट रही है। मुझे तो ओशो की कृपा है, वो चेहरे भी दिख गए कि जो आप लोगों के साथ वहां पर थे, तो ये बड़ी ब्लेसिंग है, ओशो की ही ब्लेसिंग है। तो माँ आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया और हमें मौका दिया कि आपके साथ कुछ क्षण बैठ करके हम तो बैठ के कमा हम इसी के लिए